हाय दोस्तों, मैं विकास कुमार आज एक नए वीडियो के साथ जो कि आज का वीडियो जो है वो खास करके ओलंपिक से ही है, जो कि पिछला वीडियो भी दो वीडियो लगातार ओलंपिक का ही है आया था और आज भी एक वीडियो जो है ओलंपिक पर ही है जो टोक्यो में खेला जा रहा है। ठीक है, 2021 का टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक, ठीक है ना, इसका नाम क्या है, टोक्यो पैरा ओलंपिक, जो कि 24 अगस्त 2021 से लेकर के अभी वर्तमान में चल ही रहा, ये 5 सितंबर 2021 तक चलता रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से कुछ एक बड़ी खबर आया है जो भारत के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है और ये विगत दो दिन, कल का बात है, कल जो है दो गोल्ड पदक भारत के झोली में आया, कुल मिलाकर के 5 पदक आया जिसमें 2 पदक जो है वो गोल्ड है और भारत जो है इस बार पिछले रियो ओलंपिक, रियो पैरा ओलंपिक से अच्छा खेल प्रदर्शन देख करते हुए 2021 में अभी लगभग 30 अगस्त तक का रिपोर्ट के अनुसार 5 पदक जीत चुकी है। ठीक है, और ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये पैरा ओलंपिक है, ठीक है ना, कौन सा ओलंपिक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021। ठीक है, आज हम बात करेंगे इन दिव्यांगों का, ठीक है ना, जो कि कभी जो है ये अगर थके हारे होते हुए भी अपने आप को दृढ़ किए, सुदृढ़ किए, ठीक है ना, अपने ऊपर मेहनत किए, और जो कि कभी हरिवंश राय बच्चन ने एक कविता लिखा था, लिखे थे कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज ये वीर सपूत जो हैं वो करके दिखाए हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले आज मिलते हैं, वो हैं आज के, देखिए ये आज के हैं अवनी लेखरा, ठीक है ना, अवनी लेखरा, ये अवनी लेखरा टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में ये गोल्ड पदक जीते, ये 19 वर्षीय हैं, ये 10 मीटर एयर राइफल में, ठीक है ना, 10 मीटर एयर राइफल में लगभग जो है 249.6 अंक के साथ ये जो है विश्व रिकॉर्ड बनाए और इनको जो है इस बार गोल्ड पदक मिला, ठीक है ना, गोल्ड पदक मिला। ठीक है, ये राजस्थान के जयपुर से संबंधित है, ठीक है ना, और हमने आज जो बताया कि हरिवंश राय बच्चन का एक कविता था, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है ना, ये 2012 में एक कार एक्सीडेंट में अपना दोनों पैर जो है वो गंवा चुकी हैं, ठीक है ना, इसके बाद जो है ये स्ट्रगल करके इस मुकाम पर पहुंचे हैं, ठीक है ना, 2012 में ये कार एक्सीडेंट में ये विकलांग हो गए, विकलांग कहना तो अब कानूनी अपराध हो गया है, दिव्यांग कहेंगे, ये दिव्यांग होने के बावजूद भी जो है 2021 के इस पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता रहे, ठीक है ना, जो कि भारत का गर्मापूर्ण बात रहा। ठीक है, इसके बाद जो है एक और भारत के वीर सपूत से मिलिए, ठीक है, ये है सुमित अंतिल, ठीक है ना, सुमित अंतिल, ये हरियाणा वालों का पता नहीं क्या हो गया है, ठीक है ना, इससे पहले भी आप लोग देखे होंगे 2021 के टोक्यो ओलंपिक में एक और जो है नीरज चोपड़ा जो थे वो गोल्ड पदक जीते थे और ये भी जो वो भी थे जो हरियाणा से संबंधित हैं और ये सुमित अंतिल यह भी जो है हरियाणा सोनीपत से संबंध रखते हैं, ठीक है ना, इन्होंने भी जेबलिन थ्रो में, ठीक है ना, भाला फेंक में यह भी जो है एक गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है, इनका भी वही स्थिति रहा, ये 2015 में एक बाइक एक्सीडेंट में, ठीक है ना, ये 2015 में बाइक एक्सीडेंट में ये अपना पैर गंवा दिए, ठीक है,
इसके बाद ये जो है लगातार मेहनत करके इस मुकाम पर पहुँचे थे। 2015 के पहले की घटना है कि ये व्यक्ति जो थे, ठीक है ना, सुमित, ये पहलवानी करते थे, लेकिन 2015 में एक्सीडेंट के बाद भी ये खेल से जुड़े रहे, बल्कि ये खेल से जुड़े हुए होते हुए अपना थोड़ा प्रारूप में चेंज किए और ये जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक की तरफ ध्यान दिए और ये पैरा ओलंपिक 2021 में ये गोल्ड मेडल जीते, ठीक है ना। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल, ठीक है ना। ये भी विश्व रिकॉर्ड बनाए, लगभग जो है 68.55 मीटर लंबा, ये जो है विश्व का, ये भी जो है विश्व रिकॉर्ड है। ये लगातार तीन बार भाला फेंके और तीन बार जो है ये नया नया रिकॉर्ड बनाते गए, ठीक है ना। जो अभी जो है ये अभी एक विश्व रिकॉर्ड है, ठीक है। आप जो है इनसे पहले मिलिए ये अवनी लेखरा, ये जो है पैरा ओलंपिक में पहली भारतीय महिला हैं जो गोल्ड जीते हैं, ठीक है ना। ये पैरा ओलंपिक में पहली भारतीय महिला हैं जो गोल्ड जीते हैं, ठीक है। तो ये आज का जो है कल का सेशन का ये है जो आज हमने चर्चा किया है, ये पैरा ओलंपिक से संबंधित आने वाले समय में एक पूरा वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। और अभी जो है जो गोल्ड मेडल या कुछ इम्पॉर्टेंट बात है पैरा ओलंपिक में जो चल रहा है उस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे, ठीक है। और एक जब पूरा ओलंपिक ख़त्म हो जाएगा तब एक नया वीडियो लाएंगे आपके सामने पूरे क्वेश्चन के साथ, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है उस पर हम विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। थैंक यू।